गपशप डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखित ललित निबंध, जिसमें उन्होंने बेकार की बातों को खास नजरिए से देखा है। आइए आज इस ललित निबंध का सारांश पढ़ेंगे। गपशप से आदमी की व्यक्ति की असलियत और छिपी मनोवृत्तियां सामने आती हैं। लोग अपने खाली समय में दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ या ऑफिस में सहकर्मियों के साथ खाली समय में वार्तालाप या बातचीत करते हैं, जिसका कोई उद्देश्य या खास विषय नहीं होता तथा एक अनौपचारिक संवाद होता है, उसे गपशप कहते हैं। अर्थात गपशप की सामान्य समझ यह है कि व्यर्थ की बातें घोटालों और दुर्भावनापूर्णहीन कहानियां सम्मिलित होती है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। कई बार गपशप मनोरंजन के लिए भी होता है। गपशप निबंध में नामवर सिंह ने गोष्ठी की निरर्थकता और फालतू की बातों से दुखी होने का अनुभव बताया है। लेखक जब घर वापस आते हैं तो लगता है कि आज का दिन बेकार की बातों में ही गुजर गया। किसी महत्वपूर्ण विषय पर बौद्धिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन इसी निराशात्मक विचार में डूबे थे कि फालतू की बातों में अच्छी बात नजर आई कि व्यक्ति जब फालतू की बातें करता है तो उसकी असलियत पता चलती है, क्योंकि ऐसे समय बातें बुद्धि से, दिमाग से नहीं, हृदय से निकलती है। हृदय से निकली बातें बेकार होते हुए भी रोचक होती है, आनंदित करती है। बिना किसी योजना से लिखे गए पत्र, पत्र में दिल की बातें लिखते हैं, स्वच्छंद होकर लिखते हैं। जो मन के अस्त व्यस्त भावों को लिखकर भेजते हैं, वहीं पर औपचारिक पत्र या ऑफिशियल लेटर लिखना हो तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे शब्दों का चयन, फॉर्मेट, विषय आदि। लेकिन बिना प्रयोजन का पत्र भावनाओं को शब्दों में उतारता है और वही सच्चा पत्र होता है। अन्य उदाहरण इस प्रकार है कि सिलेबस की पुस्तकों के अतिरिक्त आप क्या पढ़ते हैं वह व्यक्ति की रुचि बताता है, और बिना योजना बनाए जिन चीज़ों पर आप खर्च करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, वह पैसों का खर्च व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की या व्यक्ति के खर्च की प्राथमिकता बताकर उसका असली चरित्र बताती है। यह सारी बेकार की बातें हों, पत्र हों, पुस्तकें हों या खर्च हो, यह सब वैसे ही असली होता है जैसे समाज के गरीब व्यक्ति की स्थिति होती है। समाज में हर व्यक्ति का स्थान उसकी धनाढ्यता से नहीं, बल्कि उसके समाज के गरीब व्यक्ति की स्थिति से होती है। निरर्थक बातें निरर्थक नहीं होती, बेकार की बातें बेकार नहीं होती। वे सच में व्यक्ति की पहचान कराने में सहायक होती है कि इसे अनौपचारिक कार्यों में कहाँ रखा जाना चाहिए तथा व्यक्ति का असली गुण, दोष, कला आदि का पता चलता है। लेखक ने व्यक्ति का नाम लिखने की जगह वह लिखा है, और वे अपने एक जानने वाले व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि वह गप्पे हाँकने में माहिर है, झूठी बातों को कहता ऐसे है जैसे उन बातों का, उन घटनाओं का हीरो या नायक वही है, और सब कुछ उसने स्वयं अनुभव किया हो, इस तरीके से सब कुछ गप्पे हाँकते हुए बताता है जैसे डॉन क्विक्सोट वही है और दुनिया भर की लड़कियां उसी की दीवानी हो, मिस्टर वॉ के बारे में बताते हैं। लेकिन जब वे बता रहे हैं और मिस्टर वॉ जब गप्पे हाँक रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वे अपने चरित्र का खुलासा भी कर रहे हैं कि वे समझते हैं कि उन्हें सुनने वाले सारे मूर्ख हैं, असलियत जानते नहीं। लेखक ने अगले मिस्टर पॉ के बारे में बताया है कि पॉ नाम का व्यक्ति तो ऐसे बातें बनाता है मानो दुनिया के सारे महत्वपूर्ण लोग को वह जानता है, और जब वह हमसे बात करता है तो मानो हमसे बात करके कृपा कर रहा है, क्योंकि उसकी जान पहचान तो बड़े बड़े लोगों से है। तीसरे व्यक्ति हैं श्रीमान मां, जो जब भी मिलेंगे ज्ञान ही बांटेंगे, किसी न किसी को कुछ सिखाने की कथा ही करते रहेंगे, मानो सारी दुनिया
मूर्ख है और वे अकेले ज्ञानी हैं जो हर समय हर किसी की पाठशाला लगाए रहते हैं। इन सब चर्चाओं से लेखक वापस घर लौटे तो बड़े दुखी थे कि श्रीमान व प और म की व्यर्थ की बातों में दिन बीत गया। लेकिन जब ठंडे दिल से सोचा तो लगा कि नहीं, दिन व्यर्थ नहीं गया। अगर श्रीमान व प और म में से किसी निश्चित विषय और समय पर चर्चा करता तो उनका असली रूप तो मैं जान ही नहीं पाता, क्योंकि वे सब तो उस विषय पर तैयारी करके आते, अच्छी अच्छी बातें करते, अच्छे अच्छे उदाहरण देते, बहुत विवेकपूर्ण बातें करते, जिससे उनके बनावटी रूप में असली रूप तो छुप जाता। भाषण में व्यक्ति कहीं भीतर ढका रहता है और जो वह भाषण करता है वह भाषण प्रभावित करने के लिए, दूसरों को आकर्षित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए करता है और उसका उद्देश्य बातें करना नहीं, प्रभाव जमाना होता है। आगे वे कहते हैं कि काम की बातों से व्यक्ति के काम का पता चलता है और बेकाम की बातों से व्यक्ति का पता चलता है। जैसे इंजीनियर ओवरसियर रेखाएं खींचकर ब्लूप्रिंट या नक्शे बनाते हैं जो नपे तुले होते हैं, जिसे जानकार व्यक्ति आसानी से समझ सकता है, लेकिन उदास मन से खींची रेखाएं चाहे रेत पर हो, कागज पे हो या पानी पर, उन रेखाओं को कोई नाप नहीं सकता। लेकिन एक संवेदनशील व्यक्ति वह दर्द, यातना, तड़प समझ लेता है और यह समझ ही व्यक्ति का चरित्र है। लेकिन खाली समय व्यक्ति की सच्चाई बताता है, वैसे ही कुछ लिखते समय फाड़कर फेंके गए कागज के टुकड़े व्यक्ति की असलियत बताते हैं कि आपने उस कागज पर क्या लिखा और फाड़ दिया। तो यह सब जो बेकार की चीजें हैं, बेकार की बातें हैं, खाली समय है, वे सब व्यक्ति की असलियत बताते हैं। आगे वे कहते हैं कि और यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समाज का पता अमीरों से नहीं बल्कि बेकार लोगों से पता लगता है कि यह समाज और सामाजिक कैसे हैं। इसी तरह हमें अपनी असलियत को अच्छी बनाने के लिए बेकार समय में कुछ पढ़ना चाहिए, सार्थक कार्य करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन मूल्यों को ऊंचा उठा सकें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गपशप जो एक ललित निबंध है, इसका सारांश यहाँ पर पूरा होता है। और हम इसकी विशेषता देखते हैं कि इस निबंध की विशेषता यह है कि व्यक्ति का जीवन टाइम टेबल से परे रहकर भी जीवन को समृद्ध बनाता है, क्योंकि जब हम व्यर्थ की बातें अर्थात किसी खास विषय पर बातें नहीं करते हैं तो अपनी सच्चाई बताते हैं। लेकिन हम व्यर्थ के समय में सचेत होकर सार्थक कार्य करें तो चरित्रवान बन सकते हैं। अच्छे साहित्य पढ़ना, अच्छे कार्य करना, संवेदनशील होना आदि मनुष्य को मनुष्य बने रहने देते हैं। तो इस प्रकार लेखक ने यह संदेश भी दिया है कि जो हमारे पास फालतू का समय होता है वह फालतू का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और उन फालतू के समय में हमें महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा चरित्र ऊंचा उठ सके। और जब हम फालतू के समय में बैठे बातें, फालतू की बातें कर रहे होते हैं, उस समय भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा समय व्यर्थ न जाए। जब हम मित्रों के साथ मिलते हैं, खुलकर मिलें, खुल के बातें करें। इस प्रकार निबंध की सारांश और विशेषता पूरी होती है। और छात्रों, अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलिए। अब हम छात्रों पाठ्य सामग्री के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहला प्रश्न आता है, प्रश्न एक। निम्नलिखित शब्दों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए, जिसके अंतर्गत आपको पूरी किताब में से, अलग अलग पाठों में से ऐसे प्रश्न तैयार करके दिए जाते हैं जिनके उत्तर आपको एक शब्द वाक्य या वाक्यांश में लिखना होता है और आपको उत्तर भी वैसा ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पाठ पर आधारित एक अंकीय प्रश्न यहाँ पर कुछ उत्तर के साथ तैयार किए गए हैं। तो ये जो प्रश्न उत्तर है वह आपको परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने में सहायता करने के साथ साथ
पाठ का सारांश समझने और उत्तर लिखने में भी आपकी सहायता करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, प्रश्न पत्र में ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी आपको पूरे किताब में से अलग अलग पाठों में से 3 प्रश्न दिए जाएंगे ससंदर्भ व्याख्या करने के लिए, जिसमें से आपको 2 के उत्तर लिखना है, जो 7-7 अंक के लिए 2 प्रश्न होंगे। टोटल होगा 14 मार्क्स का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ससंदर्भ व्याख्या लिखने का फॉर्मेट क्या है, प्रारूप क्या है, आप इसका अनुसरण कर सकते हैं। कि पहला होता है संकेत, जिसमें आपको लिखना होता है कि आप 3 में से कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं संकेत किस प्रकार लिखा गया है। उसके बाद होता है प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे कि जो पंक्तियों का अर्थ आप लिख रहे हैं वह हमारी किताब में से, किताब का नाम लिखेंगे, उसमें संकलित पाठ का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे, से ली गई है। उसके बाद आता है संदर्भ। तो यह पंक्तियाँ किस संदर्भ में कौन किससे कह रहा है या लिखा जाएगा। और उसके बाद आता है व्याख्या। तो व्याख्या में आप विस्तार पूर्वक लिखेंगे कि जो पंक्तियों का आप उत्तर लिख रहे हैं उसका अर्थ आप क्या समझते हैं और उसे समझाकर आप विस्तार पूर्वक 6-7 लाइनों में लिखेंगे। उसके बाद अगला बिंदु आता है विशेषता। तो विशेषता में आप लिखेंगे कि जो पंक्तियाँ, जो पाठ है, उससे आपको क्या संदेश मिलता है और लेखक ने क्या संदेश दिया है और आपको क्या सीख मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 प्रश्न, पहला दूसरा पूरा हुआ। अब तीसरा प्रश्न आता है कि कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यह प्रश्न भी आपको 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न करना होगा। इसका उत्तर के लिए आप वीडियो के पहले भाग का सारांश लिख सकते हैं और फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिखेंगे शीर्षक, उसके बाद लेखक परिचय। लेखक परिचय आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे सारांश और फिर विशेषता। तो सारांश और विशेषता आप वीडियो के पहले भाग से सहायता ले सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखने के लिए भी ऐसे ही आपको 2 शीर्षक दे दिए जाएंगे, 2 में से 1 के ऊपर आपको टिप्पणी लिखना होगी, जो होगा 5 अंक के लिए 1 प्रश्न। तो इसमें भी आपको शीर्षक लिखना है और उसके बाद आपको उस शीर्षक का परिचय देना है कि यह शीर्षक कहाँ से आया। उसमें आप किताब का नाम लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे तथा एक लाइन में परिचय देंगे कि यह जो भी शीर्षक है वह कहानी का मुख्य पात्र है, सहपात्र है, कोई स्थान है, कोई घटना है, ये आप लिखेंगे। और उसके बाद टिप्पणी में 5-7 लाइनों में आप टिप्पणी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कितने अंक का प्रश्न है ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टिप्पणी लिखने के लिए जो प्रश्न दिया जाता है उस पर हमारे पास लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन टिप्पणी में बहुत कुछ नहीं लिखना है, उन जितनी भी जानकारियाँ हैं उसको कम शब्दों में लिखना होता है। और दूसरी बात ये कि 5 अंक के लिए है, तो यही प्रयास करना है कि गागर में सागर भर दें और बहुत अच्छा उत्तर लिखकर अच्छे अंक प्राप्त करें। तो इस प्रकार यह पाठ्य सामग्री इस पाठ की यहाँ पूरी होती है और जल्द ही हम अब अगले पाठ की पाठ्य सामग्री लेकर उपस्थित होंगे।